स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल योर सक्सेस स्टडी में। देखिए यहाँ पर बोर्ड एग्जाम से लेकर के आपको कंपटीशन एग्जाम तक की तैयारी हम कराते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं नाइन्थ क्लास का एक हिंदी, ठीक है, हिंदी क्लास। हिंदी के लिए हमने आज फर्स्ट क्लास लिया, ठीक है। इसमें हम लोग आज विषय सूची के अंतर्गत जानेंगे कि हिंदी के अंतर्गत कितने पाठ पढ़ने हैं, उसके लेखक कौन है, वह किस विधा के अंतर्गत आता है। तो यह इससे आपके एग्जाम में 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो सभी बच्चे जो भी नाइन्थ में पढ़ रहे हैं वह सभी लोग इस चार्ट को बिल्कुल याद कर ले। 12 यह है और 12 और देंगे। यह आपको निबंध, कहानी, रेखा चित्र संबंधित है, कविता वाले 12 और है। अगर आप इसको पूरा कर लेते हैं तो आप 5 से 10 नंबर अपने एग्जाम में गेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी लोग बिना वीडियो को भगाए देखें कि कैसे हम कम समय में अस्थायी तौर पर इस पाठ और उसके लेखक को और उसके विधा को याद कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला है शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय जो है कहानी लिखते हैं, कहानी का प्लॉट उनका जो रचना है, शिवपूजन सहाय का क्या है, कहानी का प्लॉट है। दूसरा हमारा है राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद ने जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक लिखा अपने बिहार के नंदा विश्वविद्यालय के विषय में, चूंकि राजेंद्र प्रसाद भी हमारे नंदा के ही, हमारे सॉरी बिहार के ही थे, तो बिहार के ही थे, तो बिहार के एक विद्यालय के विषय में लिखा, नालंदा विश्वविद्यालय के विषय में, और नाम दिया भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा। राजेंद्र प्रसाद लिखे। उसके बाद में लक्ष्मी नारायण सुधांशु, यह ग्राम गीत का मर्म लिखे जो निबंध के अंतर्गत आता है। और यह भी जो आपका है क्या कहते हैं नालंदा, ये भी आपका निबंध ही है नालंदा विश्वविद्यालय पर। तो ग्राम गीत इसमें गांव के गीत जो शादी विवाह में गाया जाता है, ठीक है, स्वागत में गाड़ी सुनाओ मेरी सखिया वाला, ठीक है, तो वो सारे गाना जो हमारे पहले के समय में लोग जाता पीसते समय या कुछ काम के समय गाते थे, वैसे गीतों के महत्व के विषय में हमारे लिखे हैं लक्ष्मी नारायण सुधांशु। आगे हमारा फणीश्वर नाथ रेणु है, इन्होंने लिखा है लाल पान का बेगम। इसमें एक महिला के विषय में बताया गया है कि वह किस तरह से घर परिवार और अपने समाज को अपने में बांध कर रखती है, इसका जिक्र किया गया है लाल पान के बेगम में। आपको मैं इसको इतना इंटरेस्टिंग तरीका से पढ़ाऊंगा कि आपका मन गदगद हो जाएगा और एग्जाम के क्वेश्चन सब हवा हो जाएगा, सारा के सारा क्वेश्चन आप बिल्कुल इजी वे में कर सकते हैं। आगे हमारा अमृत लाल नागर का है भारतीय चित्रपट मुख से संवाद, मुख से संवाद तक। आगे हमारा है विष्णु प्रभाकर का लिखा हुआ अष्टावक्र रेखाचित्र। अष्टावक्र में एक ऐसे व्यक्ति का उल्लेख किया गया है जो आठों अंग से विकलांग है और वह किस तरह से अपना जीवन जीता है, समाज में एक विकलांग व्यक्ति का जीवन किस तरह से खुशहाल और कष्टदायक होता है, दोनों प्रकार के चीजों का इसमें वर्णन किया गया है जिसको हम जानेंगे अष्टावक्र रेखाचित्र के अंतर्गत। आगे हमको जानना है राम कुमार शुक्ल। राम कुमार शुक्ल के विषय, राम कुमार जो हमारे हैं वह लिखे हुए हैं आपको टॉलस्टॉय के घर में। टॉलस्टॉय जो एक काफी चर्चित व्यक्ति हैं आपको पेरिस फ्रांस के, उनके विषय में हम जानेंगे राम कुमार के निबंध किसमें, टॉलस्टॉय के घर में रेखाचित्र। उसके बाद में अनुपम मिश्र जो हमारे है वह लिखे हुए हैं, अनुपम है यह, अनुपम मिश्र पधारो हमारे देश, यह राजस्थान के रेगिस्तान के जो क्षेत्र है जिसको थार रेगिस्तान कहते हैं उसके विषय में अनुपम मिश्र ने काफी कहिए इंटरेस्टिंग, और वहाँ के दुख और सुख के विषय में, कैसे वहाँ समुद्र खत्म हो गया, कैसे वहाँ का भगवान कृष्ण आए हुए थे तो क्या हुआ, इस सारे चीजों को कैसे वहाँ के लोग पानी को बचा कर रखते हैं, इसके विषय में जानकारी हम लेंगे इसमें पधारो हमारे देश में। इसके बाद में शरद जोशी का एक निबंध व्यंग है हमारा रेल यात्रा पर। रेल यात्रा में किस तरह के मनुष्यों को परेशानी झेलना पड़ता है, जल्दी में आने पर कितना परेशानी लोकल ट्रेनों में होती है, कैसे आदमी कष्ट सह करके यात्रा करता है भारतीय रेल में, उसके संबंध में हमको पढ़ना है रेल यात्रा में जो हमारे शरद जोशी का लिखा हुआ है। उसके बाद है जगदीश नारायण चौबे। जगदीश नारायण चौबे हमारे लिखे हुए हैं निबंध। निबंध जगदीश नारायण चौबे जो हमारे निबंध लिखे हुए हैं वह निबंध में बताए हैं कि निबंध किस तरह से लिखा जाता है इसको।
आगे हमारा है रामधारी सिंह दिवाकर का लिखा हुआ, दिवाकर को हम दिनकर भी कह सकते हैं, उसका रामधारी सिंह दिनकर का कवि कहानी एक है सूखी नदी का पुल। इसमें बताया गया है कि पहले गांव में किस तरह से लोग खुशहाल थे और नदी थी यहाँ पर, कैसे यहाँ पर एक महिला और एक जात पात से जुड़ी हुई समस्याओं का बिल्कुल बैकवर्ड फॉरवर्ड की समस्या पर एक गहरा प्रकाश डाला गया है, जिसका अध्ययन हम करेंगे सूखी नदी के पुल में। आगे हमारा है रविन्द्रनाथ ठाकुर, रविन्द्रनाथ ठाकुर का लिखा हुआ है शिक्षा में हेर फेर, जो शिक्षा छात्र से है रविन्द्रनाथ ठाकुर को आप जानते हैं, जो हमारे पश्चिम बंगाल में जन्मे हुए थे, गीतांजलि वगैरह लिखे, ठीक है, यह एक बहुत ही अच्छे कवि हैं, इनका जो लिखा हुआ शिक्षा में हेर फेर इसको अभी हम जानेंगे नौवां क्लास के इस हिंदी क्लास में। चलिए अब 12 आप बताएं, इससे पहले 12 को कहानी के अंतर्गत गद्य पद के अंतर्गत दो भाग बांटा गया है, तो 12 को उधर था और 12 को यहाँ पर है, 12 चैप्टर इसमें कविता के अंतर्गत पढ़ना है। इसमें आपको 12 कविताएं भक्ति और जनरल जीवन है ना इससे संबंधित दिए गए हैं। आपको रैदास कवि जो है हमारे वह लिखे भक्ति के पद दो लिखे हुए हैं, एक गुरु गोविंद सिंह लिखे हुए हैं, ठीक है, और एक हमारे लिखे हुए हैं रैदास। ये दोनों कविताएं आपके मन में एक अलग तरह के विचार उत्पन्न करेगा, एक शुद्धि लाएगा, जिसको जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जब मैं पढ़ाऊं आपको वीडियो मिल जाए। उसके बाद में मंजन ने लिखे हुए हैं करबक, उसके बाद में हरियोध ने लिखा है पलक पावरे, बहुत ही सुंदर कविता, मजा आ जाएगा। उसके बाद में महादेवी वर्मा लिखी हुई है मैं नीर भरे दुख की बदली, यह महादेवी वर्मा जो आधुनिक काल की मीरा कही जाती है उनका लिखा हुआ एक कविता है मैं नील भरी दुख की बदली। इसमें जो है कि आपको दुख और सुख के विषय में बताया जाएगा। आप आगे बढ़ेंगे हरिवंश राय बच्चन की आ रही रवि की सवारी, यह तो मस्त कविता है, हरिवंश राय बच्चन के आ रही रवि की सवारी इतना इंटरेस्टिंग कविता है। इसमें सूर्योदय के संबंध में बहुत ही मनोरम क्या कहेगा वर्णन किया गया है, जिसको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। उसके बाद में केदारनाथ अग्रवाल लिखे हुए हैं पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, मैं कहता हूँ फिर कहता हूँ हमको तुमको मान मिलेगा, फूलों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, मजा आ जाएगा। आपको हिंदुस्तान में रहते हैं तो आप जरूर पढ़िएगा, आपके लिए कविता बहुत ही सुंदर कविता है जिसका नाम है पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, और इसके लेखक हैं कवि है कहिए कर लेखक नहीं कवि कहते हैं इनको, केदारनाथ अग्रवाल। आगे हमारा है लीला तक जगुड़ी का लिखा हुआ मेरा ईश्वर, ईश्वर क्या है और किसके ईश्वर कैसे होते हैं, वे वास्तव में ईश्वर कौन है, इसके विषय में जानकारी आपको देंगे लीला तक जगुड़ी की कविता मेरा ईश्वर में। उसके बाद में राजेश जोशी ने रुको बच्चों में बच्चों को कब कब रुकना चाहिए, इसके विषय में बहुत ही सुंदर तरीके से बताए हैं, जिसको आपको मैं बताऊंगा रुको बच्चों कविता के अंतर्गत। इन चीजों को जानने के लिए आप मेरे जो भी वीडियोस इससे रिलेटेड दलाएंगे उसको लेने के लिए उसको समझने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आगे हमारा है विजय कुमार का लिखा हुआ निम्मो की मौत पर, एक निम्मो है नौकर, ठीक है, वह नौकर का जिंदगी कैसा होता है और लोग शहरी जीवन में नौकर के साथ किस तरह से व्यवहार करते हैं और उसका कितना कम वैल्यू देते हैं, उसके विषय में मैं आपको बहुत ही गहराई से आपके वास्तविक जीवन से जोड़ कर बताऊंगा, जिसको समझने के बाद आपके व्यवहार में काफी अंतर आएगा। इसको जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे हमारा है कि सीताकांत महापात्र का समुद्र, समुद्र क्या है, इसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है, वह कैसे अपना सब कुछ दे करके भी प्रसन्न रहता है, इसको जानने के लिए आप कविता मेरे चैनल पर लगातार बने रहें और इस कविता को पढ़ें। इसके बाद में है पाब्लो नेरुद्रा का लिखा हुआ कुछ सवाल ऐसे दिए जाएंगे जिसको हल निकालना है, किसको हल सोचना है, इसके विषय में हमको जानना है आपको कुछ सवाल के अंतर्गत। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं कि पवन सर अभी पढ़ाना शुरू किए हैं नाइन्थ क्लास का हिंदी, जो भी आपके पार्टनर्स हैं या आपके रिलेशन में हैं सभी को बताइए, मैं 24-24 आपको चैप्टर करा करके उसका क्वेश्चन आंसर करा करके दूंगा, जो बिल्कुल आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा और एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो इसको लेने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।